आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज, यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि आपको आपकी फैमिली में जो कोई वेडिंग हो उसमें क्या क्या होता है वो आपको आपके क्लासमेट में बताना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक, यानी कि जब कोई मैरिज होता है फैमिली में तो कौन कौन सी फूड स्पेशल कुक यानी कि बनती है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, अ वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड वॉज कुक अलॉन्ग विथ स्वीट ड्यूरिंग द वेडिंग, यानी कि जब फैमिली में कोई वेडिंग होता है तो उसमें बहुत सारे स्वीट्स बनते हैं, कोई ट्रेडिशनल फूड भी होता है और बहुत सारे स्वीट्स भी बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर, यानी कि जो दूल्हा और दुल्हन होती है उनका स्पेशल क्लोथ्स क्या क्या होते हैं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द ब्राइड वॉर अ ब्यूटीफुल लहंगा एंड चोली विथ ब्लू दुपट्टा, यानी कि जो दुल्हन होती है उसने क्या क्या पहना होता है, एक लहंगा पहना होता है चोली का, उसमें ब्लू दुपट्टा भी होता है, तो ब्राइड ग्रूम वॉर अ क्लासी शेरवानी एंड पगड़ी, तो जो दूल्हा होता है उसने एक बहुत ही अच्छी शेरवानी पहनी होती है और पगड़ी भी पहनी होती है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग एंड डांस आर परफॉर्म एट वेडिंग, यानी कि वेडिंग में कौन कौन से डांस और सॉन्ग परफॉर्म होते हैं, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, एट वेडिंग ट्रेडिशनल फोक मेलोडी एंड मॉडर्न सॉन्ग एंड डांस आर परफॉर्म। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंड, यानी कि क्या आपने जो वेडिंग अटेंड किए उसमें क्या क्या देखा है, ड्रो सम पिक्चर इन योर क्लास नोटबुक देन लुक एट द पिक्चर ड्रो बाय योर क्लासमेट, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि आपने जो कोई वेडिंग अटेंड की है होती है उसमें क्या क्या होता है, तो वो आपको उसका पिक्चर आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है और वो पिक्चर आपको आपकी क्लासमेट में बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपने वेडिंग कोई अटेंड की हो तो उसमें क्या क्या होता है, एक दूल्हा दुल्हन होती है जो बहुत अच्छे दिखते होते हैं, फिर कैमरा वाले मैन भी होते हैं जो सबकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उसके वीडियो भी बनाते हैं, फिर क्या होता है वेडिंग में कि कुछ नए नए स्वीट्स और बहुत सारे फूड बनते हैं, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो नए नए कपड़े पहन के आते हैं उनकी फैमिलीज़ में, फिर क्या होता है कैसे लोग सारे इधर उधर घूमते हैं कुछ भी, या फिर कोई भी अटेंड शादी में क्या होता है, जैसे कि कोई इधर उधर घूमता है, कोई नए नए कपड़े पहनता है, फोटोग्राफर्स होता है जो फ़ोटो क्लिक करता है और वीडियो बनाता है, तो ऐसी पिक्चर आपको आपकी नोटबुक में बनानी है और वो पिक्चर आपको क्लासमेट में ड्रॉ करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, वी सो चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निमी सैरी एंड नज़ील बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न, यानी कि हम यहाँ पे आपने देखा कि कैसे नज़ील की फैमिली में, सैरी की फैमिली में और निमी की फैमिली में क्या क्या चेंजेस हुए और वो क्यों हुए, तो हमने यहाँ पे आगे बताया। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट डाउन द रीज़न फॉर दिस चेंज, यानी कि उनकी फैमिली में क्यों क्यों चेंजेस आए वो हमें यहाँ पे लिखना है, इन निमीज फैमिली, तो निमीज की फैमिली में क्यों चेंजेस आए, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, द चेंज हैपन्ड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी दे गॉट अ न्यू फैमिली मेम्बर, तो उसकी फैमिली में क्यों चेंजेस आए थे निमी की फैमिली में, बिकॉज ऑफ उनके हाउस में यानी कि उनके घर में एक न्यू बेबी का बॉर्न हुआ था और वो उस फैमिली का मेम्बर बन गया था। फिर नेक्स्ट क्या है, इन सैरीज फैमिली, तो सैरीज की फैमिली में क्यों चेंजेस आए थे, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सैरीज फादर गॉट अ प्रमोशन एट वर्क एंड हैड अ टू शिफ्ट टू अ न्यू सिटी, सैरीज फैमिली वेयर गेटिंग प्रिपेयर्ड विथ एक्साइटमेंट अलॉन्ग विद द न्यू चैलेंजेस, यानी कि सैरी की फैमिली में इसलिए चेंजेस आए थे क्योंकि उनके फादर को एक प्रमोशन हुआ था यानी कि तरक्की मिली थी, तो उनको उनके काम के लिए न्यू सिटी में ट्रांसफ़र होना पड़ता था और इसलिए वो सारे बहुत खुश थे और बहुत ही एक्साइटेड थे बिकॉज ऑफ न्यू चैलेंजेस, यानी कि नए चैलेंज के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थे।
फिर नेक्स्ट क्या है, इन नजील्स फैमिली, यानी कि नजील्स की फैमिली में क्यों चेंजेस आए थे, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, एज हर एल्डर कजिन ब्रदर गॉट मैरिड अ न्यू ब्राइड कम टू नजील्स फैमिली सी वॉज नजील्स सिस्टर इन लॉ, यानी कि नजील्स की फैमिली में इसलिए चेंजेस आए थे बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली में एक एल्डर कजिन ब्रदर का मैरिड हुआ था और उसमें एक नई सिस्टर इन लॉ यानी कि जो नजील की भाभी थी वो उनकी फैमिली में एक ऐड हो गई। तो यहाँ पे इसलिए बताया है कि नजील्स की फैमिली में क्यों चेंजेस आए थे। फिर नेक्स्ट क्या है, देयर कैन बी मैनी रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिलीज, यू कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि नजील, निमी और जो सैरी थी उनकी फैमिली में क्यों चेंजेस आए थे वो तो हमने देखा, पर आपको ऐसे भी और रीजन्स बताने हैं जिसकी वजह से फैमिली में कोई कोई बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, लिविंग ऑफ अ फैमिली मेम्बर फॉर हाई एजुकेशन, यानी कि हमारे फैमिली में कोई बहुत अच्छा पढ़ता है हायर एजुकेशन तो उसके लिए भी फैमिली में चेंजेस आता है। ट्रांसफ़र ऑफ अ रिलेटिव हु माइट कम टू लिव विथ फैमिली, यानी कि फैमिली में, यानी कि हमारी फैमिली में किसी का कोई ट्रांसफ़र होता है एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो इसलिए भी फैमिली में चेंजेस आता है। फिर नेक्स्ट क्या है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, यानी कि हमारे फैमिली में किसी का डेथ हुआ है तो इसलिए भी हमारी फैमिली में चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या कहा है कि क्या आप बता सकते हो कि फैमिली में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर इसमें से आपको कोई और रीजंस यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, टॉक टू थ्री ओल्ड पीपल, यानी कि आपको कोई तीन ओल्ड पीपल से बातचीत करनी है। वन फ्रॉम योर फैमिली, यानी कि एक आपकी फैमिली में से कोई ओल्ड पीपल से बात करनी है। वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, यानी कि आपके फ्रेंड के फैमिली में से कोई ओल्ड पीपल से बात करनी है। एंड वन फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड, यानी कि आपके नेबरहुड में से कोई एक ओल्ड पीपल से आपको ऐसे ही तीन ओल्ड पीपल से बातचीत करनी है। आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड फिल इन द टेबल, यानी कि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आपको ऐसे तीन ओल्ड पीपल से बातचीत करनी है, जो एक आपकी फैमिली में से हो, जो एक आपके फ्रेंड की फैमिली में से हो और एक जो आपके नेबरहुड के फैमिली में से कोई एक ओल्ड पीपल हो। ऐसे तीन ओल्ड पीपल से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको उनसे बातचीत करनी है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंस हाउ मेनी इयर्स हैज़ योर फैमिली बीन सेइंग हियर, यानी कि आपको उनको पूछना है कि आप जब भी यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कितने सालों से आप रह रहे हो। तो आपको आपकी फैमिली में से पूछना है, आपके फ्रेंड की फैमिली में से पूछना है और आपके नेबर की फैमिली में से पूछना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है जैसे कि 15 years, 10 years और 5 years। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर, यानी कि आपको पूछना है कि आपकी फैमिली अभी जहाँ पे रह रही है उनसे पहले कहाँ पे रहती थी। तो ऐसे ही आपको तीन ओल्ड पीपल से बातचीत करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। तो क्या कह सकते हैं, जैसे कि बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र, कोई कहेगा बेंगलोर यानी कि कर्नाटक, और कोई कहेगा चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टूडे, यानी कि आपको उनको पूछना है कि अभी आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स रह रहे। तो आपको आपकी फैमिली में से पूछना है, आपकी फ्रेंड की फैमिली में से पूछना है और आपकी नेबर की फैमिली में से जो ओल्ड पीपल हो उनको पूछना है। तो जैसे कि वो बताएंगे हमें कि 4 members, 5 members और 6 members। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेम्बर्स वेयर देयर इन योर एज फैमिली 10 years एगो, यानी कि आपको उनको पूछना है कि आपकी फैमिली में 10 years पहले कौन कौन से मेंबर थे, यानी कि कितने मेंबर थे। तो वो आपको आंसर बताएंगे, जैसे कि 3 members, 6 members और 8 members। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेर द रीज़न फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन लास्ट ईयर 10 years, यानी कि आपको पूछना है कि लास्ट 10 years में आपकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वो आपको ओल्ड पीपल से पूछना है
और यहाँ पे आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, फादर्स ट्रांसफर एंड बर्थ टू माय लिटिल ब्रदर, फिर डेथ ऑफ ग्रैंड मदर एंड बर्थ ऑफ टू बेबीज, फिर नेबर्स में कोई बताएगा, नेबर्स हुड फैमिलीज में से कोई बताएगा, वेयर अ जॉइंट फैमिली अंटिल दे शिफ्ट टू द न्यू सिटी सो दे हैड टू लीव देयर ग्रैंड पेरेंट्स बैक। तो ऐसे ही आंसर आपको बताएंगे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंज, यानी कि आपको उनको बताना है कि आप क्या फील करते हो कि ये जो सारे चेंजेस हुए हैं आपकी फैमिली में इतने ईयर्स में, तो आपको क्या फील हुआ होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं अपनी फैमिली में, जैसे कि बताएंगे, फील हैप्पी फॉर मेंबर ऑफ द फैमिली एंड एक्साइटेड टू लिव इन अ न्यू सिटी। फिर फ्रेंड की फैमिली में से कोई बताएगा, वरीड अबाउट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर एंड हैप्पी फॉर द ट्विंस इन टू द फैमिली। फिर नेबरहुड की फैमिली में से ओल्ड पीपल बताएंगे, मिस द जॉइंट फैमिली एंड द लव एंड केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। तो ऐसे आंसर बताएंगे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस विथ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे उनको पूछना है कि आपके टेक्नोलॉजी से क्या क्या प्रॉब्लम हुए हैं और क्या क्या चेंजेस हुई है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले अपनी फैमिली में से कोई बताएगा, इंटरेक्शन एमोंग द फैमिली गॉट रिड्यूस। फिर फ्रेंड की फैमिली में से बताएंगे, द किड्स आर प्लेइंग इनसाइड द हाउस विथ स्मार्टफोन एंड टेप्स रेदर देन प्लेइंग ऑन फीड्स। फिर नेक्स्ट कोई नेबरहुड की फैमिली में से बताएंगे, द किड्स आर गेटिंग एडुकेटेड टू द यूज ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस एंड वेस्ट अ लॉस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसे रीजंस हमें बताएंगे, तो वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, माई फैमिली यस्टरडे टूडे और टुमोरो, ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन हैज योर फैमिली चेंज टू, यानी कि हर किसी परिवार में किसी ना किसी तरह के बदलाव आते हैं। तो क्या आपके फैमिली में भी ऐसे कोई बदलाव आए हैं, तो वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वेयर चिल्ड्रन लाइक यू, वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज टूडे, यानी कि क्या आपके दादा दादी आपके जैसे छोटे बच्चे थे, तो क्या उनकी ज़िंदगी में वैसे भी कोई चेंजेस आए हैं, तो वो आपको पूछ के बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, डू यू रिमेम्बर द पिक्चर ऑफ सीता माँ फैमिली थ्री विच वी सी इन क्लास टू, यानी कि आपको सीता माँ की फैमिली में से जो भी याद हो उसकी पिक्चर यहाँ पे बतानी है। फिर नेक्स्ट क्या है, यू हैड ऑल्सो ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर वन फैमिली, लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक, यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि आपकी लास्ट ईयर में जितने भी फैमिली के मेंबर थे उनमें से कौन ट्री था, तो वो आपको आपकी नोटबुक में फैमिली का पिक्चर वो ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेंबर्स वेयर देयर इन देयर फैमिलीज व्हेन दे वेयर योर एज, यानी कि आपके दादा दादी से पूछिए कि जब वो आपके एज के बच्चे थे तब उनकी फैमिली में कितने लोग थे। देन ड्रो अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली व्हेन दे वेयर यंग, यानी कि उसके बाद उनके पूछकर एक फैमिली ट्री बनाना है। फिर नेक्स्ट क्या है, कैन यू सी योर सेल्फ योर ब्रदर और योर सिस्टर योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री, यानी कि क्या आप देख सकते हैं कि आपके ब्रदर या फिर आपकी सिस्टर या फिर आपके मदर या फिर आपके फादर में से कोई फैमिली ट्री बन सकता है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, नहीं, हम कभी अपने आप को नहीं देख सकते क्योंकि इस समय दादा दादी हमारी तरह छोटे बच्चे थे और हम उनके परिवार में बहुत सालों के बाद आए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नाउ ड्रो अ फैमिली ट्री ऑफ योर पेरेंट्स फैमिली इन योर नोटबुक, यानी कि अभी आपकी फैमिली में जो भी
फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी फैमिली पिक्चर आपको नोटबुक में बनानी है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इज इन दिस फैमिली ट्री, हु आर द मेम्बर ऑफ योर फैमिली टूडे, वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि क्या आप अपने आपको फैमिली ट्री में से देख सकते हो, और अब भी फिलहाल आपकी फैमिली में कौन फैमिली ट्री है और आपके दादा दादी कहाँ पे रहते हैं? तो हम आंसर क्या लिखेंगे, येस आई कैन सी माई सेल्फ इन माई फैमिली ट्री, द मेम्बर ऑफ माई फैमिली टूडे आर माई ब्रदर, माई मदर एंड माई फादर, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर लिविंग इन माई नेटिव विलेज। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, लेट अस टॉक, कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टुडे। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, नो इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम टुडे, देयर वेयर मोर फैमिली मेम्बर हु लिव टूगेदर दे यूज टू लिव इन विलेज। यानी कि हमारे दादा दादी विलेज में रहते थे और उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग पहले रहते थे, जैसे कि वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वैसे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, गोइंग बैक टू स्कूल, अप टू विच क्लास डू यू वॉन्ट टू स्टडी, यानी कि आपको कौन से क्लास तक पढ़ना पसंद है, यानी कि आप कहाँ तक पढ़ेंगे। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी अप टू बैचलर ऑफ इंजीनियर डिग्री, यानी कि आप जहाँ तक पढ़ना चाहते हो वहाँ तक आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडी, यानी कि आपके पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े हैं। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, माई फादर हैज़ एन MBA डिग्री एंड माई मदर हैज़ एन UG डिग्री, यानी कि आपके पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी, यानी कि आपकी दादी कहाँ तक पढ़ी है। तो हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं, माई ग्रैंड मदर गॉट चांस टू स्टडी टिल क्लास 10, यानी कि आप ऐसे बताएंगे कि मेरी दादी माँ क्लास 10 तक पढ़ी है, या फिर किसी की दादी माँ ऐसी भी होती है जो यानी कि उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला होता है। तो ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, एट वॉट एज डिड यू ग्रैंड मदर गेट मैरिड, यानी कि आपकी दादी माँ की कितनी एज में मैरिड हो गई थी। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, माई ग्रैंड मदर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 70। फिर नेक्स्ट क्या है, हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक अबाउट द एज बिफोर विच गर्ल एंड बॉयज मस्ट टू गेट मैरिड, यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स को कहाँ कितनी एज में मैरिड करनी चाहिए। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, येस आई हैव हियर्ड इट एंड बाय दैट लॉ बॉयज बिफोर द एज ऑफ 21 एंड गर्ल्स बिफोर द एज ऑफ 80 मस्ट नॉट गेट मैरिड, यानी कि यस हमने सुना है कि बॉयज़ को 21st एज में और गर्ल्स को यानी कि गर्ल्स को 80 एज तक की मैरिज के पहले मैरिज नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, देर आर मैनी गर्ल्स वो गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि हमारे देश में ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी 18 साल पहले ही शादी कर दी जाती थी। मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल, यानी कि और उस वजह से उनको अपनी स्कूल में भी जाने नहीं देते थे। देर आर मैनी ट्रू स्टोरी ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला एंड ऑफ रंगा टुडे सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल, सी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत। पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो टू बैक टू स्कूल। जगम्मा एंड चिट्टी सेड वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन अवर 1 feet, यानी कि हमारे देश में ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी 18 साल पहले ही शादी कर दी जाती है और उनकी वजह से उनको अपने स्कूल में भी
नहीं जाने देते। और उसी तरह ऐसे कुछ ट्रू स्टोरी भी है जिनकी वजह से एक ज़माने में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन अब भी वो वापस स्कूल जाने लगी है। सुशीला को भी अपने गांव के पंचायत से भी मदद मिली थी और वो स्कूल वापस जाने लगी थी। पंचायत ने भी यही कहा था। उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी स्पेशल ग्रुप है जो मदद करते हैं छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल वापस जाने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट एंड राइट। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड वो हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? डू दे वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल? यानी कि क्या आपको पता है कि आपकी नेबरहुड में से ऐसा कोई बच्चा है जिसको अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है और वो स्कूल आना चाहता है? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? येस, देयर वॉज अ बॉय इन माई नेबरहुड वो हैड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स। ही बैडली वॉन्ट्स टू गेट बैक टू स्कूल। यानी कि येस, हमारे नेबरहुड में से ऐसा बच्चा है जिसको अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर दे डूइंग दिस डे? यानी कि वो अभी फ़िलहाल में क्या कर रहा है? तो वो क्या कर रहा होगा वो आपको अपने हिसाब से लिखना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, ऐसा आप लिख सकते हो, ही इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड ब्रेड एंड बटर फॉर दिस फैमिली एज ही इज़ द ओनली मेल चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली। फिर नेक्स्ट क्या है? हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली वो? यानी कि क्या आपको पता है कि आपकी फैमिली में अभी फ़िलहाल में किसी का मैरिड हुआ है और वो कौन है? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? यस, माई एल्डर कजिन ब्रदर गॉट मैरिड रिसेंटली। यानी कि यस, अभी फ़िलहाल में मेरे एल्डर कज़िन ब्रदर है उनका भी फ़िलहाल में मैरिड हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम? यानी कि उनकी एज क्या है जिसका भी फ़िलहाल में मैरिड हुआ है? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? द एज ऑफ द ब्राइड वाज 24 एंड द एज ऑफ द ब्राइड ग्रूम वाज 30। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस दे वॉर? यानी कि उन्होंने क्या पहना था अपनी शादी में? तो हम क्या लिख सकते हैं? ब्राइड ने क्या पहना होगा? अ ब्यूटीफुल लहंगा एंड चोली विथ ग्रीन दुपट्टा। और ग्रूम ने क्या पहना होगा? अ क्लासी शेरवानी एंड पगड़ी। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट काइंड ऑफ डिशेस वेयर देयर नेम देन? यानी कि क्या क्या डिशेस होती है शादी में? तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं? जैसे कि जलेबी, समोसा, कचौरी, तो ऐसे भी और भी स्वीट्स होते हैं खाने में, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारी सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं और हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 भी फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों।